क्या दोस्त कमीन है, आते नहीं है क्या बुलाने पे? तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखो, अगर दिल्ली में रहते हो और अकेले घूमने की जगहें ढूंढ रहे हो तो मे बी ये ब्लॉग आपको एंड तक देखने पे हेल्प कर पाए कि दिल्ली में आप कौन कौन सी जगहें घूम सकते हो। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्ट आज कहाँ हो रही है तुम सोच रहे होगे? ब्लॉग की स्टार्ट आज हो रही है कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं निकल चुकी हूँ आज सोलो डेट पे। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पहुँचूंगी कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मैं बस घर से निकल चुकी थी कि मेरे को जाना है, कहीं जाना है, बस जाना है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ अपनी सोलो डेट पे घूमने, और कश्मीरी गेट से देखते हैं समयपुर बादली और हुडा सिटी दो लाइन जाती है, जो भी पहले आएगी मैं उस पर चढ़ जाऊँगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तुम लोगों को ये हुडा तो बंद हो गई और समयपुर बादली अभी अभी गई है। अब दोनों में से जो भी पहले आएगी जा रही है, मैं बीच में खड़ी हूँ, जो भी पहले आएगी मैं उसमें चली जाऊँगी। तो पहले जा रही है तो आई थिंक वही पहले आएगी, पर वो भी अभी भी गई है तो देखते हैं। ओके, अब राजीव चौक पर उतर चुकी हूँ और मैं उस टाइम तो मैं दिखा नहीं पाई ज़्यादा क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस भर गया था। तो हुडा सिटी पहले आ गई थी, मैं हुडा सिटी पर चढ़ के राजीव चौक उतर गई और ये चीज़ मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। बट मेरे पीछे एक अंकल आ रहे थे, वो कॉन्टीन्यूसली कैमरा में देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कैमरा उनका ही है मेरा नहीं, तो इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं डाली और मैं दोबारा से रिकॉर्ड करी। और अब मेरे को लोग अभी भी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पता नहीं मैं क्या गुनाह कर रही हूँ। ठीक है तो चलो चलते हैं आगे। और बड़ी मशक्क़त के बाद द्वारका सेक्टर 21 वाली मीटिंग मिलती थी और मैं जा रही हूँ उस तरफ, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, एक अंकल आ रहे थे भैया कह लो, और वो ऐसे हो गए, रुक गए पीछे मतलब। तो हम चल रहे हैं 21 सेक्टर वाली मेट्रो की तरफ, शायद ये है पता नहीं, देखते हैं पता करते हैं। खाइए खाइए, ये चली गई दूसरी लाइन, बड़ी ही बहुत खाली लाइन है अपने पास। तो गाइस हम पहुंच गए झंडे वाला, देख लो, और अब हम जा रहे हैं झंडे वाला मंदिर। ठीक है चलो चलते हैं फिर। तो गाइस अब जो हम मी टाइम स्पेंड करने आई गए हैं, तो अब हम पहुंच गए हैं झंडे वाला मंदिर। ठीक है आज की इस सोलो डेट पे। तो ये नीचे का कुछ सीन देख लो, ऐसा सा है भीड़ भीड़ भी। और अभी मेट्रो से हम लेते हैं एग्जिट और चलते हैं फिर फटाफट। वैसे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ना काफ़ी लोग मैंने बोलते हुए सुना कि भीड़ 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 कार्ड गए। नाइस आंटी। तो गाइस अंकल का टोरा देख लो तुम, टोरा कहाँ से अंकल ले गए, अंकल का बस चलता तो यहाँ से भी चढ़ा ले। और मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक घंटा ट्रैफिक में फंस जाऊंगी अगर मैंने रिक्शा लिया तो। और यहाँ बहुत गंदगी है दो, और मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगी, रुको ऐसे करो 3 2 1 डैन टैन, पीछे से दिखा रहा ना अभी सामने दिखाती रहो। तो गाइस फटफट बोल दो जय श्री राम जय बजरंग बली, देख लो अभी मैं तुम्हें आगे से दिखाती रहूँ। रुको ये देखो, पता नहीं पूरा दिख भी पाएंगे या नहीं, सामने रोड पे जाना पड़ेगा शायद। जय श्री राम बोल दो गाइस, अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे आके। ये देख लो अभी आके दर्शन करेंगे, पहले तुम्हें दिखा दूँ सामने से, रुक जाओ। ये देखो ऐसे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, सामने जाके दिखाते हो गाइस। अपनी जान को हथेली पे लेके मैं यहाँ पहुँच गई हूँ सामने, और अब तुम्हें पूरा दिख जाएगा शायद। ये देखो देख रहे हो तो अंकल हाय कर रहे हैं गाइस, अंकल को हाय कर दो पूरे बजरंग बली, और अंकल मांग रहे हैं पूरे बजरंग बली। तो गाइस तुम लोगों के लिए रिश्ते के बीच रोड पे खड़ी होगी, देख लो तुम्हें दिखा यहाँ से एंगल, देख लो सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और मैं जा रही हूँ। ठीक है देख लो गाइस जी हमने ले लिया प्रसाद और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन, चलो चलते हैं अंदर। गाइस मंदिर काफ़ी बड़ा है, फोटोग्राफी निषेध नहीं है, सब कर रहे हैं, तुम देख लो ये देख लो गाइस।
सब कुछ है यहाँ पे अंदर काफ़ी बड़ा है। इन शॉर्ट मंदिर लोग हट नहीं रहे, लोग पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पे। पवित्र गुफा है गाइस ये, पहले यहाँ चलते हैं फिर गुफा में चलेंगे। आई थिंक गुफा से ऊपर जाते हैं। और तुम मेरी शक्ल देखोगे? और ये है, ये है माता जी। अब चलते हैं गाइस गुफा में। चलो गुफा है, दिखाओ तुम पूरी देखोगे क्या? पूरी देख लेना। चलो नीचे रख के दिखाऊंगी, है ना, हाथ में ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए। जा जय श्री राम, बोल दो भाई जय श्री राम, सबको जान दो। फिर चलते हैं थोड़ा सा ना नीचे करके दिखा पाऊँगी यार तुम्हें, ऊपर नहीं रख पाऊँगी, है ना, कैसे रख पाएंगे। जय श्री राम। प्रेफर करिए क्योंकि वॉक भी हो जाती और पास भी था, और अगर मैं वॉकिंग करके ना आती तो मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जा पाती, तो इसलिए मैंने वॉकिंग ही प्रेफर करी है। बीच बीच के रास्तों में से मैप लगा के मैं पर्सनली झंडे वाला, इट्स जस्ट 750 मीटर्स अवे, ठीक है, 750 मीटर में मैं पहुँचने वाली हूँ। ऑल दो धूप है, मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे ऑटो रिक्शा कर लेना चाहिए था बाहर से, बट चलो कोई नहीं, अब तो पहुँचने ही वाले हैं, आते हुए कर लेंगे। पर आते हुए शायद धूप ना हो, पर अब देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है कितनी नहीं, होपफुली दर्शन हो जाए, भीड़ ज़्यादा ना हो। रास्ते देख लो, गलियों सोसाइटियों में से ऐसे रास्तों में से जा रही हूँ मैं। कौन लोग होते हैं जिनके दोस्त उनके एक फ़ोन पे आ जाते हैं? मेरे दोस्त इतने कमीने हैं कि आते नहीं हैं, और फिर जब मैं निकल जाती तो उनका फ़ोन आता कि भाई हम आ रहे हैं। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तो गाइस मुझे अपने दो क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर्स मिले हैं झंडे वालन के पास, तो मिल लो। क्या नाम है आपके? गुंजन, सृष्टि, सृष्टि, गुंजन और सृष्टि, कौन सी क्लास हो? नाइन। सही है गाइस, देख लो क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। तो आप लोगों का इंस्टा चैनल बता दो। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय। गाइस यहाँ तो मेला लगा पड़ा है, लोगों की पार्टी चल रही है, देख लो। मतलब एक ना क्यूआर कोड वाली रजिस्ट्रेशन आ गई है, और ये क्यूआर कोड वाली नहीं है,
यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं उनका है ऐसे भीड़ भड़कता, और ये लाइन ऊपर जो तुम्हें दिख रही है, और मुझे भी लाइन का पार्ट होना पड़ेगा क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। ठीक है, तो ये मैं जा रही हूँ, इतनी भीड़ भड़क के मैं बेवकूफ़ी करी है ना मैंने सोलो डेट की। तो तुम जब भी आओ तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा के आना कृपया, वरना बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ेगा जैसे मैं लगती हूँ। पर देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, हो सकता है मैं पहले चली जाऊँ, देखते हैं अभी। गाइस यहाँ पे आप फ्री में मेहंदी भी लगवा सकते हो, यहाँ पे मेहंदी वाली बिठाई हुई है, बहुत लड़कियाँ लगवा रही हैं फ्री मेहंदियाँ, मतलब बहुत क्या सभी लगवा रहे हैं आंटियाँ लड़कियाँ, लाइन 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 लाइन। जय माता दी, एंट्रेंस है, बस यहाँ तक लाइन में लगती जा रही है। तो गाइस मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, और ये मंदिर के एंट्रेंस है, बस अब मैं जाऊँगी अंदर, है पैसों वाले नहीं चल रहा है। तो गाइस ये मैं पहुँच चुकी हूँ एंट्रेंस पे, मैं बात आ रही हूँ कि तो जगह 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 आए टाइम लिखा है, पढ़ लो जिसको भी आना हो। तो गाइस जय माता दी का नाम लेते हुए हम एंटर हो चुके हैं, और ये देख लो सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डेकोरेशन, बहुत सुंदर हो रखी है इस टाइम। और दर्शन करने चलते हैं अब आगे। आंटी ना टीका लगा रही थी, मेरे को लगा वो फ़ोन छीनने के लिए कर रही हैं, बट यहाँ फ़ोन वगैरह अलाउड है, और यहाँ आके जल्दी जल्दी लोगों से दर्शन करा रहे हैं ताकि वेटिंग ना लगे बाकी लोगों के लिए, और जल्दी जल्दी सबके दर्शन होते जाएं। बट यार 10 सेकंड के दर्शन और इतनी भीड़, मतलब एटलीस्ट देखने तो दो, पहुँचने से पहले ही चलो 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 के धक्के मार देते हैं। कोई नहीं, चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ बाकी का मंदिर। तो ये भीड़ तो पहले तुम देख लो, आगे तक डेकोरेशन चल रही है, आगे भजन वजन चल रहे हैं, और पीछे कुछ टेंट है, देखते हैं क्या है। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं देखती हूँ और तुम लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग बैठे हैं, और यहाँ पर माता के चरण। तो चलो आगे चल के दिखाते हैं, लिखा झंडे वाला, और पास जाते हैं, लोगों के फ़ोटो शूट ही नहीं ख़त्म होते, देखना जगह ही नहीं है फ़ोटो शूट पहले कराने लोगों को, बट मुझे थोड़ा स्पेस मिल गया तो देख लो, और बाकी एक बार दोबारा माता रानी के दर्शन कर लो। मैं अंदर आ गई थी, और दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे भी आई थिंक मूर्तियाँ हैं आगे, तो ये देख लो आगे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, शिव जी की, गणेश जी, पार्वती जी, और आगे थोड़े बहुत भजन चल रहे हैं सब देख के, और जोत भी लगी हुई आप ले सकते हो। और ये सब देखने के बाद हम चलेंगे एग्जिट की तरफ, पहले दर्शन कर लो चलो जल्दी जल्दी। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे दर्शन कर सकते हो। और अब जा रहे गाइस एग्जिट पे, और हमने ऑलमोस्ट कर ली एग्जिट। तो गाइस अब टाइम आ चुका है घर जाने का, मेरे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन अपना ना रजिस्ट्रेशन करा के जाना मत भूलना बिल्कुल भी, वरना बहुत लंबी लाइन लगना पड़ेगा, मेरा जल्दी नंबर आ गया कुछ कुछ करके। बट आप लोग वेट करना मत और रजिस्ट्रेशन करा के जाना। और अब चलते हैं घर, और टाइम आ चुका है सोलो डेट को एंड करने का। तो गाइज व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।